हेलो हेलो जी। हेलो हेलो जी, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया जी। आज ना तुसी और वधिया होण वाले हो। अच्छा जी। हां जी, आज मजे आने वाले है। आज मैं बना रही हूँ जी अचारी आलू बिरयानी। ओहो, वेजिटेरियन डिश। कुछ कमेंट्स आते हैं कि अब नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाते। बनाएंगे जी, वो भी अभी ये चल रहा है। वहाँ पिछली जिन्होंने नहीं देखी हमारी वीडियो, वो पीछे वाली वीडियो देखो। हाँ, बिरयानियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी कुछ बना हुआ है। आज लेकिन मैं बना रही हूँ जी अचारी आलू बिरयानी। ठीक है जी, ये मैंने कर लिए जी। ये देखो, प्याज मैंने कर लिए हैं, इधर आलू। ये देखो, ये इतने मोटे मोटे आलू हैं। ठीक है, इनको बस मैंने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो ये इधर हो रहे हैं। तो ये है जी हमारा अचार का मसाला। ये हमारा होममेड अचार, होममेड अचार है। ये पिछले साल वाला है, 2023 वाला। ठीक है, ये पुराना मसाला है। इस साल जो मैंने डाला है ये उसका मसाला नहीं है। तो बड़ी करारी बिरयानी बनती है, बड़ी टेस्टी बिरयानी बनती है। तो चलो, उधर हमारे चावल उबल रहे हैं, इधर उबल रहे हैं जी, पानी उबल रहा है इधर हमारा। इसमें है जी लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, और ये हमने इसमें राइस डाल देने हैं। जैसे हम नॉर्मल बिरयानी के लिए राइस बॉयल करते हैं, या वैसे भी हम अगर राइस जैसे बॉयल करते हैं तब हम इनमें कुछ नहीं ना डालते ज़्यादा तो, मसाले। हाँ, ज़्यादा मसाले। हाँ, बस ये डाल के अब हमने इनको बॉयल कर लेना है। ठीक है। हाँ जी, इसमें मैंने आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दिया। अगर नमक ज़्यादा भी डाल दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पानी हमने निकाल ही देना है। ठीक है ना, क्योंकि पानी तो हमने ये यूज़ नहीं करना। तो मैंने नमक डाल दिया इसमें। ठीक है, इनको मैंने कर दिया पीछे। ये इधर हो रहे हैं फ्राई। इधर मैंने रख लिया जी बड़े वाला बर्तन। ठीक है जी। ठीक है जी, ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर मैं तुम्हें मिल दिया। ठीक है, ये हो गया गर्म। इसी तेल में से मैंने इधर थोड़ा तेल डाल दिया। अब इसमें मैंने ये डाल दिए मसाले। इसमें है जी जीरा और थोड़ी सौंफ, मोटी इलायची, ये एक चक्रफूल, और काली मिर्चें। ये डाल के साथ में मैंने ये डाल देने हैं जी थोड़े से प्याज। इनको हमने भून लेना है। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ब्राउन हमने पहले कर लिए हैं प्याज। ठीक है जी। हाँ जी, ये मैंने गैस कर दी सिम पे। और इधर ये आलू हमारे हो गए हैं, ये देखो इतने गोल्डन। मैंने इनको निकाल लेना है। हाँ जी, आलू हमने निकाल लिए। और ये है जी इधर जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च, ये हमने कूट दिया जी। बस इनको हमने थोड़ा सा इसका कच्चापन निकाल लेना है। अब हमने इस तरफ डाल देना है जी नमक, और साथ में हमने डाल देनी है जी थोड़ी सी हल्दी, साथ में ये हमारी रंग वाली मिर्च। ठीक है जी, और साथ में हमने डाल देने हैं चिल्ली फ्लेक्स, और इसको हमने अब हल्का सा भून लेना है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखना, मतलब मिर्चें तेज मत करना, नमक तो चलो न। हाँ, ये हमने एक टमाटर डाल दिया। ठीक है जी। हाँ जी, अब मैंने इसमें ये थोड़े से ये वाले प्याज डाल दिए, और कोई भी बिरयानी मसाला आप डाल दो एक चम्मच के करीब। कोई भी बिरयानी मसाला डाल दो। और इसमें डालो अब पानी, और इसको ढक के पका लो। ठीक, बस ताकि आलू जड़े हैं सॉफ्ट हो जाएं। आंच मैं थोड़ी सी कटाती, सॉरी टमाटर। हाँ जी, ये पानी हमने इसलिए डाला है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, इसको कर देना है बंद, आंच है कम। इसको पकाते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक। ओहो हो हो हो। लो जी, ये हो गए हैं जी सॉफ्ट। क्या बात है, ठीक है, आलू भी रेडी, आलू रेडी है, चावल भी। हाँ, चावल को छान लिया हमने, और जो इसमें कोई मोटी इलायची, छोटी इलायची मुझे दिखी वो मैंने निकाल दी। ठीक है, और बाकी जो अब इसमें डालूंगी दालचीनी वगैरह वो टुकड़ा भी निकाल दूंगी। तो ये हो गए जी। अब हमने इसमें डाल दिया जी थोड़ा सा धनिया,
थोड़ा सा ये वो मिंट पुदीना। लो अब हमने इसमें डालना है जी, ये दो तीन चम्मच है हमारे फेंटी मारे हुए दही दे। अच्छी तरह इसको मैंने फेंट लिया। अब मैंने इसको चला देना है और इसको चलाते चलाते ही आंच मैंने कम की है, चलाते चलाते इसका पानी हमने बिल्कुल सुखा देना है। ठीक है जी। ठीक है जी, इसका पानी सुखा के ऐसे चलाते रहना है बस। ठीक है जी। तो रखना नहीं फिर असी मिलते हैं जी इनू करके। ठीक है जी। ओहो हो, ये लो जी, ये हमारा हो गया जी। अब आ गई है जी हमारे हीरो की बारी। मेरी बारी। ये हमने अपने मसाले के, ये वो अचार मसाला, हाँ उसके चनों समेत डाल देने हैं बस। वर्ल्ड फेमस अचार। अरे वर्ल्ड फेमस नहीं, पूरे खानदान में ऐवें अपनी मां नु फूकना चिकाई जाया कर। इतने लोगों के लिए अचार बनाया। चलो जी, अब ये डाल दिया जी, साथ में मैंने ये आलू डाल दिए जी। बस इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। सब्जी बहुत बढ़िया लग रही। थोड़ी सी आलुओं में कसर है और थोड़ी सी चावलों में कसर है। ये मैंने कर दिया सिम पे कर दिया। और बिरयानी मसाला हमने पहले डाल दिया था, अब हम डालेंगे इस पे हमारे चावल। गैस कम कर दूँ पहले पूरी तरह, गरम गरम चावल तो भी पाफ निकल रही है। इसको थोड़ा इधर करूँ पहले। ये हो गया जी, अब हमने डाल देना इसके ऊपर जो हमारा प्यारा धनिया, हमारा पुदीना और हमारी ये मिर्चें। क्या बात है। ठीक है जी, थोड़े से ये हमारे फ्राइड क्रिस्पी बढ़िया प्याज और बिरयानी मसाला और थोड़ा सा यहाँ देसी घी। ठीक है जी। चलो जी, अब हमने बाकी का इसके ऊपर और डाल देना है। चावल कितने अच्छे खिले खिले लग रहे हैं। हाँ चावल तो अच्छे बनते हैं ये खुले पानी में। लो जी, ये हो गया जी, अब हमने डालना है जी इसके ऊपर हमारा बिरयानी मसाला और ये है जी हमारे फ्राई हुए प्याज, बचे हुए प्याज। थोड़ा सा ये हमारा देसी घी प्यारा प्यारा। ठीक है जी। लो जी, ये सब हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, इतना कुछ डाल के अब आ गई है बारी जी जो मेरी पसंद की चीज़ है। अच्छा, जिसके डाले बिना मैं बिरयानी बनाती नहीं। कई बार कुछ लोग कह देते हैं कि ये कलर जो है नहीं डालने चाहिए, लेकिन बिरयानी की शक्ल अच्छी नहीं होती फिर। हाँ, बिरयानी की शक्ल मुझे मज़ा नहीं आता। आप केसर वगैरह डालो। हाँ केसर डाल लो, अगर आपने कलर नहीं डालना तो आप केसर वाला वो दूध में पानी में जो करके डालते हैं वो डाल लो। हाँ जी, मैं ये डालूंगी जी थोड़ा सा ये है ग्रीन और ये है जी हमारा रेड, ऑरेंज रेड। सेम ही कलर को दो नाम से बेच देते हैं। नहीं कलर नहीं? नहीं 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 नहीं, मैंने देखा है वो शीशी में सूखा कलर तो ऑरेंज जैसा ही लगता है। अच्छा, लेकिन जब पानी में डालो अलग अलग, एक थोड़ा ऑरेंज सा बनता है और दूसरा रेड बन जाता है। हाँ ऐसे होता है। ये है गेम फिर इनके। ये गेम मुझे नहीं पता ये गेम क्या है, बस इतना ही डालूं है ना। हाँ, बहुत है, बहुत है। थोड़ा सा इधर डाल दो जगह हो जाएगा ना। हाँ जी, अब ये हो गया जी, अब हमने इसको ढक देना है। ये हमारा काफ़ी भारी वाला बर्तन है, गैस बिल्कुल हमने करी हुई है मिनिमम पे, सिम पे, बिल्कुल सिम पे। अगर आपका बर्तन ज़्यादा भारी नहीं है तो आप नीचे तवा रख दो, उसके ऊपर रख दो। अब मैं पूरे इसको 10-12 मिनट दम लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कसर है दोनों में, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है जी, तो 10 मिनट बाद मिलते हैं थानू। ये लो जी। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है, ओहो हो, क्या बात है।
नीचे से आएगा। बहुत ही बढ़िया, कलर कितने अच्छे आए हैं सारे, आलू कितने बढ़िया मसालेदार लग रहे हैं। मुझे ना बस पलटते समय, मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ हर बार कहती हूँ कि मुझे लगता है ऐसे ही पलटते हैं क्या, बिरयानी पलटने का क्या अलग अंदाज होता है। लो जी ये देखो इसकी का रंग रूप, रंग रूप देखो इसका, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, करे प्लेटिंग करे, चलो चलो चलो। ओ हो इतनी अच्छी बिल्डिंग में खुशबू फैली हुई है, इतनी अच्छी अचार की खुशबू आ रही है ना, मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही मतलब देखने को भी इतनी अच्छी लग रही है। और ये देखो आलू भी हमारे, ये देखो मक्खन हुए पड़े हैं, मतलब ना ये सख्त है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, परफेक्ट है बिल्कुल। बड़ा सा चम्मच बनाऊंगी आज मैं। नमक मिर्च मसाले बिल्कुल परफेक्ट, चलो आलू एकदम सॉफ्ट, अचार के मसाले का जो टेस्ट है उसका तो और ही बहुत मजा आ रहा है। इसका है ही वो मेन, वो ही है चीज, बहुत ही बढ़िया। मतलब वो तो आलू है तो मात्र लग है, फ्लेवर पूरा कोई नॉनवेज बिरयानी वाला। हाँ हाँ बिल्कुल बिरयानी वाला फ्लेवर आता है, तो वो सारा मजेदार सा बन जाता है। नींबू मैंने इसलिए नहीं इसमें मैं डालती क्योंकि अचार खट्टा होता है, नींबू भी डाल दो अचार भी डाल दो दही भी डाल दो फिर बहुत खट्टी। मैं सोच रहा था नींबू नहीं डालना इस बार। मुझे लग रहा था कि तू कहेगा जरूर मम्मी नींबू क्यों नहीं डाला, सोचा फिर पर हाँ इसलिए डाला कि फिर हाँ फिर बहुत खट्टी हो जाती है, फिर कई बार हमने रायते वगैरह के साथ खानी होती है तो फिर और भी सारा कुछ खट्टा खट्टा अच्छा नहीं लगता, करारा करारा चाहिए। चलो जी हूँ मैं कर दिया टेस्ट, आए ना जा रहे। हाय अंब दे अचार नाल ना करारी बिरयानी है साडी, सच में मसाले तगड़े हैं पर बैलेंस है, मजा आ गया। आप ऐसे बनाते हो आलू वाली अचारी आलू बिरयानी, अगर बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप बताना कि आप और क्या डालते हो इसमें। मैंने तो अपनी तरफ से जो मैं डालती हूँ वो सब कुछ डाला है, जो रूटीन में मैं जब इसको बनाती हूँ, रूटीन में ऐसे है ये रोज़ रोज़ तो बिरयानियाँ देखो हम बनाते नहीं, तो हमारे नॉर्मल घरों में तो चावल वगैरह दाल ये वो कड़ी चावल बनते हैं, बिरयानी कभी कभी बनती है। मैंने इसलिए अब बनाई है कि दिवाली आने वाली है, दिवाली पे बिरयानी बनाओ, हम इतनी चीज़ें बनाती हैं। बिरयानी ना अपने आप में पूरी वो है, पूरी मील है, मील है, इसके साथ कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा रायता बनाओ, रायता बनाओ, मीठा बनाओ और बस हो गया। चलो जी आप दिवाली पे जरूर बनाना, अगर नहीं बनाते तो इस तरीके से बनाना, सच्ची कहनी है मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, अगर बनाते हो तो इसमें और क्या डालते हो वो भी बताना। ठीक है जी, और अब बस हम इस गर्मा गर्म बिरयानी का लेते हैं मज़ा, आप बनाओ खाओ और मज़े करो, और कमेंट्स में बताओ कि कैसी बनी आपकी बिरयानी, आलू अचारी आलू बिरयानी। ठीक है जी, चलो खुश रहो तंदुरुस्त रहो, वॉक ते जाओ, एक्सरसाइज करो, बिरयानियाँ खाओ, मजे करो, चढ़दियाँ कला च रहो। चलो मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो च, तब तक इतने सारे प्यार के साथ हमारी तरफ से बाय 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 बाय।